होता यह है, किसी सियासतदान को अगर हम देखते हैं तो हमें यह गुमान होता है कि वो कोई सियासी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है कि इस वक्त वो यकीनन कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। वो उस शख्स का नाम है, आप तमाम के तमाम जानते हैं, हमारे अपने इलाके यानी आपके अपने इलाके के आमदार जनाब हर्षवर्धन यादव साहब। मैं उनसे इस शेर के साथ मुल्तमिस हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। मैं शेर के साथ उनको मधु करना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। और बहाया कीजिए दो चार आंसू ही मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। जोरदार तालियों से आमदार साहब का इस्तकबाल करने वाले। सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ आए जो भी शायर हैं बाहर से आए हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत आमदार के नतीजे में स्वागत करता हूँ। मेरे मतदार संघ का एक बहुत बड़ा मुशायरा का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप लोग तशरीफ लाए सब शायर बाहर के, इसलिए फिर एक बार आप सब की तरफ से मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी थोड़ा शायरी चल रहा है तो मेरे को भी एक शेर समझ में आ गया। ये हमारा, ये जो मैं बाहर के शायरों को बोलना चाहता हूँ, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है कन्नड़, ये विकास पे चलने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कोई धर्म पे चलने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। अब विकास पे चलने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आसानी से विकास पे चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि पहले तो बहुत शतरंज के खिलाड़ी थे, है वो मुझे विकास करने नहीं दे पा रहे थे। फिर मुझे एक जने के पास में गया, मैं उनको बोला मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं विकास करना चाह रहा हूं, विकास हो नहीं पा रहा है, धर्म के नाम पे चर्चा हो रही है। तो बोले इंसान तो वो नहीं जो हवा का साथ बदले, इंसान तो वो नहीं जो हवा के साथ बदले, इंसान तो वो है जो हवा का रुख बदल दे। मैंने इंसान तो वो नहीं जो हवा के साथ बदले, इंसान तो वो है जो हवा का रुख बदल दे। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मेरा काम चालू हो गया, अभी सियासी बात नहीं करनी है तो छोड़, लेकिन समझदार कोई इशारा काफी है, आज मौसम अलग है। उसके बाद में बीच में एक ऐसा हादसा हुआ, मैं बाहर के शहरों को बताना चाहता हूं, हमारे लोगों को पता है कि ये हिंदू मुस्लिम में कुछ झगड़ा फसाद होने की संभावना आई थी, और जब संभावना आई थी तब दोनों तरफ के लोग जो है, जो एग्रेसिव लोग है, जो क्या बोलते हैं उसको, एकदम कड़क लोग जो है, कट्टर लोग जो हैं, वो तकरीबन भिड़ गए थे। और मैंने वो धोबी, हाँ, तो तकरीबन भिड़ गए थे। मैंने उनको बोला यार ऐसे मत करो, उनको भी एक शेर बोला मैंने, कुछ ऐसी भी मंजर है तारीख की नजरों में। मैंने उनको क्या बोला, कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। भाइयों और बहनों मत करो ये सब, ये बंद करो, और यहां पे हिंदू मुस्लिम एकता बनाओ, इसी में अपना भला है। ये चीज वहां पे बोली, और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी साहब अब विकास के नाम पे चलता है, कोई धर्म के नाम पे नहीं चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए और हमारे लोगों का मनोरंजन किए। आखिर एक ही बात मैं बोलूंगा कि ये हॉल के अंदर ये कार्यक्रम है, मुझे अभी बताया गया सुल्तान भाई जी ने बोला कि बोले ये पुलिस वालों ने कहा है कि 10 बजे के बाद बंद कर देंगे, कला ऐसे कर देंगे, वर्क कर देंगे। मैं पुलिस को यहाँ से सूचना देता हूँ, ये हॉल के अंदर कार्यक्रम है, ये सुबह 4 बजे तक चलेगा, और कोई पुलिस अंदर नहीं आएगा। आराम से, अच्छे दिल से, बिल्कुल हेल्दी जो बोलते हैं इसको, स्वस्थ भरे वातावरण में इसका ये कार्यक्रम का हम लुत्फ उठाएंगे। मुझे कल मुंबई जाना है इसलिए मैं यहाँ से आपकी इजाजत लेता हूँ, लेकिन बिल्कुल ये बात पक्की है कि ये कार्यक्रम आप जितनी देर चलाना चाहते हैं बिल्कुल चलाइए, क्योंकि ये हॉल के अंदर है, हॉल के बाहर ये कार्यक्रम है नहीं, और उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि कोई पुलिस वाला दिक्कत देगा। देगा तो मुझे फोन कीजिए, मैं तुरंत उसको बोलूंगा। नमस्कार।